हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टेक टू केयर। सो गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ MIUI 12 ROM फॉर द रेडमी नोट 7 प्रो। तो यहाँ पर सेटिंग में जाऊँगा, सेटिंग में माई डिवाइस में यहाँ पर आप देख सकते हैं MIUI 12 बाई मैसिक MTB लिमिटेड। तो यहाँ पर ये मैसिक वर्जन है MIUI 12 का। ऑल स्पेक्स में मैं जाके दिखा देता हूँ। ऑल स्पेक्स में देख सकते हैं 6 GB रैम का मेरा वेरियंट है। एंड्रॉयड वर्जन 10 मिल जाता है आपको। सिक्योरिटी पैच आपको 5.1 का मिल जाता है MIUI 12 बाई मैसिक। एंड्रॉयड वर्जन लेटेस्ट 10 मिल जाता है आपको इस रोम में। और यहाँ पर आप कर्नल वर्जन देख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए और सभी चीज़ें के बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। लेट्स नाउ स्ट्रेट टू द वीडियो। तो गाइस मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको जियो वोल्टी वगैरह के बारे में। अभी मेरे फ़ोन में जो है वो एयरटेल है, बट वोल्टी वाईफाई कॉलिंग वगैरह सभी चीज़ें परफेक्टली वर्क करती हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। यहाँ पर वीडियो कॉल एंड कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शंस मिल जाता है, जो कि वो भी वर्किंग है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको वीडियो कॉलिंग एंड कॉल रिकॉर्डिंग में। कैमरा ऐप की बात कर लेते हैं, तो कैमरा ऐप यहाँ पर आपको AI मोड वगैरह मिल जाता है। काफ़ी नया MIUI 12 में जो नया कैमरा मोड मिल जाता है वो यहाँ पर आपको प्रेजेंट है, देख सकते हैं MIUI के साथ आता है यहाँ पर ये कैमरा ऐप। यहाँ पर काफ़ी तरह के इफ़ेक्ट वगैरह आपको मिल जाते हैं। वीडियो में मैं जाके दिखा देता हूँ, शॉर्ट वीडियोस वगैरह वो भी सभी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर FPS वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, 4K 30 FPS तक का ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पर इस रोम में। और मैं यहाँ पर मैनुअल कैमरा के बारे में बात कर लूँ, जिस तरह से आप Gcam अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं इस रोम में तो वो भी यहाँ पर आप आसानी से कर पाएंगे, कोई इश्यूज़ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कैमरा टू API जो है वो इस रोम में इनेबल है MIUI 12 का रोम है। बट यहाँ पर आपको कैमरा टू API वगैरह सभी चीज़ें आपको अच्छी मिल जाती हैं। लॉन्चर यहाँ पर ये आपको मी लॉन्चर मिल जाता है। ऐप ड्रॉर वगैरह आप इनेबल कर सकते हैं। ये आपका मी वॉल्ट है, जहाँ पर काफ़ी कोई एड्स वगैरह नहीं आते हैं, ऐप वॉल्ट है। और यहाँ पर आपका स्टेप ट्रैकर है, टुडे एक्टिविटी हेल्थ वगैरह आपके बताता है, तो यहाँ पर कोई इश्यूज़ नहीं होगी। सेटिंग में जाएंगे मोर में, तो मोर में देख सकते हैं काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। लाइक जीरो आप स्क्रीन में जाते हैं तो गूगल कर सकते हैं ऐप वॉल्ट की जगह। होम स्क्रीन सर्च बार इनेबल कर सकते हैं। सर्च बैक प्रोवाइडर आप गूगल कर सकते हैं। डबल टैप टू लॉक स्क्रीन। यहाँ पर लेआउट वगैरह कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। 6x8 आइकन साइज, हाइड आइकन ऐप, ब्लर ऐप रिव्यू, सो मी स्टेटस। 6 GB रैम का वेरियंट है मेरे फ़ोन में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.1 GB अवेलेबल है। फ्लोटिंग विंडो वगैरह सभी ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर दिए गए। ये आपकी गूगल फीड आ गई, तो यहाँ पर काफ़ी कस्टमाइजेशन है। और यहाँ पर देख सकते हैं सर्च बार का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको इस रोम में। सर्च बार जो है हमारा वो अब यहाँ पर गूगल का रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी तरह के कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं। ऐप ड्रॉल वगैरह आप इनेबल करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप आसानी से कर पाएंगे, कोई इश्यूज़ नहीं होगी। होम स्क्रीन में जाके विथ ऐप ड्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपका ऐप ड्रॉल जो है वो इनेबल हो जाएगा लाइक दिस। तो ये आपका ऐप ड्रॉल इनेबल हो गया। चलते हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो परफॉर्मेंस में कोई स्टटर एंड लैग्स मुझे देखने को नहीं मिला इस रोम में, काफ़ी अच्छा स्मूथ परफॉर्मेंस मिला। एंड इवन यहाँ पर मुझे कोई एड्स वगैरह देखने को नहीं मिले, जिस तरह के Xiaomi के स्टॉक रोम में आता था वहाँ पर एड्स वगैरह आते थे, बट इस रोम में यहाँ पर ज़ीरो एड्स के साथ आता है। ये रोम बिल्कुल क्लीन एंड स्टॉक आपको मिल जाता है, क्लीन UI मिल जाता है आपको, कोई भी एड्स वगैरह आपको नहीं देखने को मिलेंगे इस रोम में। एंटीटू बेंचमार्क स्कोर की बात कर ले तो बेंचमार्क स्कोर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। और सेलुलर रिसेप्शन वगैरह जो है वो भी यहाँ पर परफेक्ट है इस रोम में। 217,435 आपको एंटीटू बेंचमार्क स्कोर मिल जाता है। हीटिंग इश्यूज़ भी नहीं है इस रोम में, तो ओवरऑल मैंने गेमिंग तो नहीं किया इस रोम में, बट काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस मिल जाता है। डेली यूसेज में कोई इश्यूज़ नहीं होगी आपको यूज़ करने में। और अब हम चलते हैं यहाँ पर सेटिंग में, कुछ फीचर्स एंड कस्टमाइजेशन वगैरह दिखा सकते हैं। वाईफाई एंड ब्लूटूथ कोई इश्यूज़ नहीं है, विच इज़ वर्किंग वेरी फाइन, नो इश्यूज़। लोकेशन में ज़्यादा कुछ खास ऑप्शंस नहीं मिलते। लॉक स्क्रीन में जाते हैं, लॉक स्क्रीन में जाएंगे तो नेवर स्लीप मैंने किया, रेस टू वेक है, डबल टैप टू वेक एंड टर्न ऑफ स्क्रीन, ऑलवेज सो नोटिफिकेशन। जब भी आपका कोई नोटिफिकेशन आएगी आपकी स्क्रीन चेंज होगी। यहाँ पर लॉक स्क्रीन फॉर्मेट वगैरह आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। साइड पैनल जो कि आपके लॉक स्क्रीन में मिल जाता है यहाँ पर, ये आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं होगी यहाँ पर। और यहाँ पर ऐप एड्स वगैरह भी कर सकते हैं, ऐप को ऐड कर सकते हैं जो भी ऐप आप चाहते हैं। व्हाट्सएप में कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारा जो है व्हाट्सएप शॉर्टकट में अब आ जाएगा।
एंड गाइज यहाँ पर आप चार्जिंग एनिमेशन जो है वेव वाला जो कि मिमिक्स अल्फा में मिल जाता है वो आपको मिल जाता है, फ्लो एंड ग्लो वो सभी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर, लॉन्च कैमरा विथ शॉर्टकट, तो काफ़ी तरह के फीचर्स यहाँ पर दिए गए इस रॉम में जो कि आपको स्टॉक रॉम में नहीं मिलते। डिस्प्ले में जाते हैं मैक्सिमम ब्राइटनेस ऑन कॉल, डिस्प्ले साइज डार्क मोड 2.0 मिल जाता है आपको, एडजस्ट वॉलपेपर भी आपका हो जाएगा, तो देख सकते हैं वॉलपेपर भी हमारा डार्क हो गया तो मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। शेड्यूल कर सकते हैं इंडिविजुअल ऐप, यहाँ पर सिस्टम एनिमेशंस वगैरह जो है वो भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कंट्रोल सेंटर अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते, MIUI 12 का कंट्रोल सेंटर मिल जाता है आपको, तो वो आप चाहे तो यहाँ पर इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ आइकॉन्स वगैरह भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, हाइड नॉच, तो काफ़ी तरह के ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए जो कि आपको स्टॉक रॉम में नहीं मिलते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट इन एनी ऐप, तो सभी ऑप्शंस दिए गए, डिस्प्ले मैंने दिखा दिया। साउंड एंड वाइब्रेशन में ज़्यादा फीचर नहीं मिलते हैं, अनलॉक वाइब्रेशन, वाइब्रेट ऑन टैप वगैरह। तो हम साउंड में चलते हैं, एडिशनल सेटिंग में भी काफ़ी तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, साउंड इफेक्ट वगैरह आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं मिलते, होम स्क्रीन में आइकन टाइटल स्टाइल वगैरह आप कस्टमाइजेशन कर पाएंगे। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में फेस अनलॉक में फिंगरप्रिंट अभी दिखाऊंगा आपको। बैटरी यहाँ पर अच्छी मिल जाती है आपको, मैं यहाँ पर स्टैट्स नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, बट बैटरी लाइफ यहाँ पर आपकी एक दिन आराम से चल जाएगी। हीटिंग इशूज़ वगैरह आपको नहीं मिलते इस रॉम में। एडिशनल सेटिंग में वही जो नॉर्मल फीचर यहाँ पर क्लियर स्पीकर का फीचर आपको मिल जाता है, और एडिशनल सेटिंग में यहाँ पर ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं मिल जाता है। वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया, फ्लोटिंग विंडो कैसे वर्क करता है तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। एक कोई ऐप खोलकर मैसेज ऐप खोलता हूँ तो ये देख सकते हैं ये आपका फ्लोटिंग विंडो है कुछ इस तरीके से, इस तरह से आप करते हैं तो आपका ऐप बंद हो जाता है, तो बैकग्राउंड में जो ऐप है वो यहाँ पर आप यूज़ कर पाएंगे जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। लाइट मोड वगैरह, MIUI लैब सभी चीज़ें मिल जाती हैं। स्क्रीन टाइम मिल जाता है जो कि डिजिटल वेलबिंग की तरह वर्क करता है, कोई इश्यूज नहीं है यहाँ पर। तो चलिए मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर रजिस्टर करके दिखा देता हूँ आपको। फेस अनलॉक आपको पता ही होगा काफ़ी अच्छे से वर्क करता है MIUI के सभी रॉम्स वगैरह में, या फिर स्टॉक रॉम हो या फिर चाहे आपका कोई भी रॉम हो वहाँ पर फेस अनलॉक काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। बट मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर रजिस्टर करके दिखा देता हूँ एक बार, तो यहाँ पर हमारा फिंगरप्रिंट रजिस्टर हो गया। चलिए अनलॉक करते हैं, ये देखिए काफ़ी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव है। ऐप लॉक वगैरह कर सकते हैं, पेमेंट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर विच इज़ वेरी फाइन इन दिस रॉम। सो गाइज ये था एक छोटा सा वीडियो, और भी रॉम्स वीडियो आएंगे नोट 10 प्रो एंड नोट 5 प्रो के लिए, तो मैं मिलता हूँ आपके वीडियो तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।